आज सुमिरन कर के जगदम्बा को और ले बजरंग बलिया को नाम है बजरंगिया हरि के संगी जंगिया गदा हाथ हर बारी और हे हनुमंता वीर अनंता बिगड़िया बनता देव बनाए संकट जाने दास अपने पे आए के दुख करो सब छारी और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जो अपार लगाए राठौर के सिट की लीला को कृष्ण जी खेई लगाइयो जपारी और सुमिरन कर मां गाए तियको सीता सावित्री को शिरनाए सर्व देवतन को सुमिरत है निक बाजा पे विराजो आए हम मैया सुमिरत लखुना वाली कन्या खटके दिन और रात सुंदर भवन बनो तुम मैया को घंटा घनन घनन घेराई हमारी कैप जिन तिरियन देहरिया नाय देखिया मठ में नचीती बधाई गाई हम भोला सुमिरत झारा खंड के बैठे खुरावलिया में जाए और मैया सुमिरत कुराबली की निक असने में होरी सहाई सुमिर सीतला मैं न पुरियती नदिया ईसन केरी मैदानी सपनों दे दो तेज सिंह को मठिया बनी थी शारदा ग्यार पूजी गुरु आधार चैतन्य के पद कमलन में ध्यान लगाए मात पिता को सुमिरन करके बाजा पे खड़े भये तत्काल खैया पेड़ तुवालो दहियर पेड़ बरगदा क्यारे माह महीना की अपूनो को मेला भारी ले तु लगाए देश देश के आए पुरवासी तो पे भेंट चढ़ा बतियाए
आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से आल्हा में भुंजरियों की लड़ाई, जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर किस तरह से महोबे की उस युद्ध की भूमि में आल्हा उदलने आकर किस तरह से बहन चंद्रावल की भुंजरियां सागर में सिरवाई हैं, ये कथा आप लोगों के लिए हम रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए विशेष कर दे रहे हैं। शायद ये कथा आपके लिए प्रिय हो, तो आ जाइए नौजवानों। आज लगवा महीना है सावन को, और घर घर बिटियन के रे त्योहार, घर घर सखियां मंगल गावे गावे कजलिए और मल्हार। और बागनों लखा की अपारन पे झूला डरे थे महोबे अखियार, सब हिया बेटियां मंगल गावे ले ले नाम बिरन को जाए। और मलहना चढ़ गई शतखंडा पे जो महारानी महोबे अखियार, संगई बेटिया है चंद्रावली चंदेले की राजकुमारी। और नजर उठी जब चंद्रावल की और बागन को रही थी निहारी, और मन में आई गई थी बहना के हम झूले तो बाग मझारी। और बहिया गह के अन्य जमैया की चंद्रावल ने कही थी सुना है, और बाग नौ लखा की अपारिन पे मैया झूला दियरी डराई। अब रोए के मलहना बोलन लागी बिटिया सुन ले अरज हमारी। अरे वीर महोबे में कोई नानी ओ भूमे रजा परमाल बामनगढ़ से, अरे दुश्मनी मानत सदा रजा परमाल, कोई राजा चढ़ के आवे बागन झूला ले कटवाए, इज्जत मिल जाए चंदेले की जर से मूछ अरे कट जाए। घर में ही बैठो लली हमार, चंदन खम्बा को मंगवाए ले महलन झूला ले डरबाए, करो सनूनो अब आंगन में बिटिया मानो कही हमार। नौजवानों, जैसे ही मलना मैया की ये बात सुनी है
उस वक्त बहन चंद्राबल को आला उदल की याद आई और रोकर अपनी मैया से क्या बोली, लकी भर गई चंदा बल की और जल कोरा कोरा हुई जाए और आला उदल जो घर होते बागन झूला देते झुलाई। और वीर महोबे में कोई नानी कि न पहले त्योहार मनाए हिलकी भर भर रोबन लागी चंद्राबली अब राज कुमारी। और बुरो होए माहिल मामा को वापस चुगली दई थी कराए और चुगली करके मेरे बाबुल से आला उदल दैते निकारी। छार छार हो जाए और हिलकी भरी भरी रोबन लागी तब मलहना ने कही थी सुनाई। और अब तो ब्रह्मा घर में बैठे हो और अब तो ब्रह्मा घर में बैठे अर्जुन पंडा के अवतार महाभारत के मैदानन में कौरव दल दो नाश कराए। और बांदी भेजी तब मलना ने तू ब्रह्मा को लइए बुलाए और बांदी चली दई दी आंगन लई बंगला की सीध लगाए। और खबर कर दई मलहना बत की तुम महतारी रही बुलाए गए ए सुनी खबर नए आंगन की चल दो चंदेले को लाली। ब्रह्मा महातारी के सर धर दो तो चरण पे जाई। और कौन या पता मैया पर गई जो जल्दी मैं लाए बुलाए गए और तब ही मलना बोलन लागी बेटा सुन ले अर्ज हमार चंद्राबली लली पिछली है बागन झूला दे उझुलाए। मलना की धधका लगो कलेजा जाई। और पामन गल सैरे दुश्मनी मानत सदा रजा परिमाले और पीर महोदय में कोई नानी हम ना झूला सके झुलाई। हार गुटैया डारी और बातें सुन लई जब मलना की तब माहिल ने कही सुनाए गए ए निदरक तुम जो तुम
बागन में हम तो झूला दिए झूला है। सब गढ़ कर गए पनिया धारी तनो लखा की पारन पे चंदे ले की राजकुमारी झूला झूल रही महुबे में दिल्ली चले ममा परिहारी। बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है राठौर होनी है बलवान बुद्धि ने पलटा खाओ है। इधर मेरे नौजवान साथियों, मलना को विश्वास देकर उरही के सम्राट माहिल मामा ने क्या किया राम शरण जी। आज खुद बछेरिया पे चढ़ बैठे बे उरही के मामा परिहार काटो असाल तझर भिरिया को कोदी में साले सौती को लाले। और तेसी साली रही ती माहिल को घायल डरते ममा परिहार मेरो महोबो मेरे बाबुल को भोगत राज रजा पर माल। आल्हा उदल घर पे नाही हम पिरथिया को दे में चढ़ाए झूला कट जाए चंद्रा बलि को कट जाए ना कबना फर लाले। और जा मन सोच के माहिल चल दे पहुंचे ते पिरथिया केरे दरबार आबत देखो हैर माहिल को तबला ठुकत बंद हो जाए काना फूसिया बंगला में बजे कऊगढ़ पैर तलवार। और भुजा पकड़ के तब पिरथी ने और माहिल ते कही ती सुनाए कि तते आए उरहिया वाले माहिल साची यदि और बताए तब माहिल बोलत है रे पिरथी ते सुनियो देहलिया के रे चौहान। आए ते गढ़ महुबे से घर घर बिटिया न कोरे त्योहार वीर महुबे मैं कोई नाने तुम सब फौजिया देवो चढ़ाए उनने बेलहा जबरन ब्याही तुम चंद्रा बल ले वो छिनाए। पिरथी के तब माहिल ते कही ती सुनाए मोह के मीठे माहिल मामा
कर रहे अरे जाहे तको काम और तेरे संतरी को रे बुलबाओ एकदम हुकुम दौरे करवाए तब चंद्र भाटया बोलन लागे सुनियो बात पिथोरा राय और आला उदल घर पे नाई ओ आला उदल घर पे नाही तो कर बट लगो पीर मल खान हो बे लड़ाई जो सागर पे बेशक चढ़े मल्हारो जवान अकेले मलखे की झपटन में भजियो अग्नि वंश चौहान और बे सूरज गिर दूर नहीं है ओ सुनिए खबर उदय सिंह राय बेशक आई है चढ़ सागर पे दहली लाख कोस हुई जाए दास राजा समझावत है जा माहिल को देव भजाए हार गुटैया तार ए नमक खाए रहो अब पिरथी को सेखी करत गुलाम न क्यारी और दैया सी से मलहना बतने उदल पालो तो गोद खिलाए और ताको राजा पर माले ने भर भागों में दो तो निकारी और दैया तलाके पर माले ने उदल नाए महुबे में आए और जो कहूं उदल सागर आवे तो कापस में लिए उखारी सुन ले अरज हमारी कहे ए मोजब लखियो बाऊ दल को मोहरात भजियो रे परिहारी और को भाटन की अब माना तू है राजा ने फौजे लाई सजाई और 7 लाख पे पाखर पर सबिया चढ़ो धनी चौहान बित बित सागर लो बिरथी डेरा दे लगाए और भोर भुरारे पोके फाटत मलना चढ़ गई अटा मझारे और संगई बिटिया चंदे लेके चंदावल सी राजकुमारी फौजई फौज दिखाई तब हिलकी लेके रोवन लागी चंदे लेके अरे वा नारी और रोए रोए के ऐसे बोली और बिटिया ने कही सुनाई और कह कहूं धोबिया धोबगट डारो कह कहूं हेरा बिड़ारी गाय के हर गाय पछाड़ी बिटिया सुन ले अर्ज हमारे
पैया पर तुम्हारे और ना कऊ धुबिया धोवगट डारो ना कऊ गहरा बिड़ारी गाय मेरे जियरा में ब्याह सत्य बैरी धोरो दवाई लवाए और सहजन पवनी तो समन दिए डुलिया ली है मेरी छनाए और बेला भाभी के बदले में मेरो डोला ले छनाए और याला उदल जो घर होते होते जिय तो पीर मलखान और ओरम हो गए की ना दिखते चढ़ते कहाँ धनी चौहान और आंसू बार बार रोबे जर झर अब कार उठ गए भगवान और बहिया कह के तब मलहना ने चंदा बल ते कही सुनाए और पीर महोबे में कोई ना ने सुनी भूमि राजा परिमाल और तास हम बिटिया बाप रथी ने अपनो धोरो दवाई लवाए छोड़ी छोड़ी डिडकारी और राम शरण जी उते आंगन में गए रही के ममा परिहारी और यावत देखो तो बीरन को बहना पलिंगा दो नवाई और बहिया गह के आज महल की और आंगन में लाए बैठारी मलना बोलन लागी मेरी मैया के राजकुमारी और काय को प्रथी महुबे पे आए वीरन प्राण रो घबराए और मुह को मीठो मन को जहरी माइल हतो अरे परिहारी ऐसे बोलन लागो बहना साची दिए बताए और बेला बिटिया को बदलो ले बे आए गए दहली के चौहाने और सहजन पवनी पिरथी दिए डुलिया जबरन लिए छनाए पर हम समझाइए पिथी राज को फौजे वापिस दिए कराए और एकदम पहुंच गए प्रथी थे ऐसे कई ममा परिहारे और खान भानिया राजन आए रोटी घरे दाई भगवान और आठ दिना महुबे में बीते क्यों ना लुट तुम हो गाँव मलना बत को सबैया डाल ले उभरवाए और ये सोमो को अब ना मिले सुनी भूमि चमेले क्यारी और कागज लेके कल्पी वालो पाती लिखत धनी चौहान और सिद्ध श्री सरनामा लिख के ता पीछे से राम जुहारे शहर कलीर क्यार और पारस पूजा पवन बछेरा डोला देव लड़ेती क्यार और वापिस लौट जाए दिल्ली को मलना मानो कई हमारे और पाती दे दई है माहिल को तुम मलना को दियो गहार और बाँचत पाती धड़क छाती लाली रही ने न बछाई और रोए के मलना बोलन लागी मेरी मैया के राजकुमार और बाद न पिरथी कहाँ पे मर गए जा दिन हाथे उदय सिंह राई
करवाए और सिंगिन छैया मेरे कन्हैया बैठे रिजगिर के मैदानी और याला उदल घर पे आवे आवे संग परे ना लाल और जंग मचे हैं जब सागर पैती है पिरती कोरे भजाई छतरी पहले पत्री प्रिया कहा लिखे दीवारी और पाती भेज दई पृथ्वी पे मर दो सुनियो यार हमार गए और मोहलत हो गई रानी मलना को मर दो ध्यान बिसर ना जाए में मलना आंगन में चंद्रासो बोली है यारो इस समय रानी चंद्रासो आंगन में बोली है आंगन में बोली है मैया आंगन में बोली है यारो इस समय मैया चंद्रासे आंगन में बोली है मेजबानो इधर तो मैया मलना ने जैसे ही पत्र लिखा है पत्र दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज की सभा में जब पहुंचा है तो इनके मंत्री चंद्रभाट ने विशेष परामर्श देकर मलना को 8 दिन की मोहलत दिलवा दी और इधर मैया मलना ने क्या किया आज सोने के थाल में आरती लेके मलना पहुंची मठी मझारी और मनिया देवता की मठिया में रच दो हवन मलहंदे माए और स्तुति बानी करी महारानी मनिया देव महोबे अक्यारी और 7 लाख से पिथिया राजने घेरो सागर ताल हमारी और जो कहूं लूट करावे पिरथिया बेशक खुद ये मठी तुम्हारी और होम देवता को न रचिए महबो पात पात लूट जाए बता किया रानी सुना महोबे क्यारे और पहली न सोची अब क्यों रोती हम कर ले बंधक बारी और आधी रात के अध खंडा पे कैसो बतवे दो तो जगाए चरण पकड़ के मलना बोली यदि बता सुन ले वरज हमारे और आला उदल रिजगिर छाए सपन में हाल सुनइयो जाए और तब यदि बता बोलन लागो मैया सुन ले अरज हमारी सता रजा पर माल और तनिक बात के ऊपर तुमने भर भादो में दो तो निकाले और या बन की तो खून चलावे सपन में मुड़ लिए रे कटवाए हम ना जाबे गढ़ रिजगिर को मलना से नाई दई करवाए और साची जानी तब मलना ने ओ
की कटार उठाए पेट फार के मैं मर जाई हो आते गुदी दिए लटकाए कर गई लो महारानी को मरना जाबो मलहंदे माए अब तुम लौटो गढ़ महुबे को हम रिजगिर की सीधा लगाए सोबत सपनों दे उदल को बे महुबे को हाल बताए इधर तो राम सरण जी मलना लौट कर आंगन में गई और इधर देवता ने क्या किया महुबे के उस मंदिर से प्रस्थान करके रिजगिर की तरफ चले हैं उधर देव उदल क्या कर रहे हैं खंड धोरा के ऊपर लग रही थी से सिंगार के ढोरत नारे प्यारे फुलवासी उगल सोबत पैर पसारे लगो चपेटा जा रे हवा को फुलवा सोई गई पैर पसार के और सोबत सपनों दौ देवताने मनिया देव महोबे क्यारी और तुम तो सोब रतन पलिंग पे महोबे की सुध दई ती बिसारी और सात लाख ते पिथिया राजन है घेरो महोबे कोर मैदानी खुलो धनिया चौहान और फाटक बंदी है महुबे की बहिरो आए न भितरो जाए और गाय बैल सब गोबर खावे घोड़ा लोटी लीद को खाए गए और से छोड़ दई पुरसन ने तिरियन तज दे सब सिंगारे और बदलो बेलहा को ले बेको सागर डटे धनी चौहान और चंद्रा बलि को झूला कटी है नाक बना फरलारी और तेरा करण को मौका नहीं है जल्दी बांधे ले वो तलवार और नदी बेतबागढ़ महुबे का उदल फौज करो तैयारी सपनों देखे देवता रंगो नींद जो चट्टू दे शिंक्यार एकदम चट पड़ो पलिंगा से फुलबा उठी भरा रखा है और सूत के तेरा रण बंका ने तब फुलबा ते कही सुनाई नदिया बिदे की डांगन में आ गई फौज पे थोड़ा राय बिंद सूर छत्री को झेले कलहा की तलवार और कीरम होबे में कोई नानी का त्रियन पे कस है कमाने और हम आबत है बापित बे साबज धान धनी चौहानी और उदल पहुंचे जाए मछलाते और भाई
कागज पन्ना पर तुम्हारे हम जाद न निकले ते महुबे ते रोई ती बहन सामने आए बता दिन कॉल करे चंद्रा ते हम तेरी पवनी दी कराई सुन ले यार जहमारे और हम जा बताएं गड़ महुबे को संगम जाएं कनौजी राय जैसे नहर में घेरी कपिला इधर मेरे नौजवान साथियों उदल अपनी भाभी मछला को महोबे का पूरा वृतांत बताकर अपने मित्र लाखन के आंगन के लिए चले और जैसे ये कन्नौज में पहुंचे हैं तो हुआ क्या अबलाख बाबू आज कूद बे दोला पे चढ़ी बैठे लईकन बज की असीदा लगाए लाखन राना है मर्दाना दाना दार कनौजिया राय आज भुजा पकड़ दिबला बाले की जाने गद्दिया फैलाओ तू बैठा अरे हंस के लाखन बोलन लागे साचे मित्र उदय सिंह लाल और लगुआ महीना है सावन को ऐशिया आबत मने हमार गड़ महुबे की तैयारी कर ले करहे महुबे पुर त्योहारी अब हंस के उदल बोलन लागे साचे मित्र कनौजिया राय सात लाख से पृथ्वी राज ने घेरो महुबे अकोर मैदान और जल्दी चलियो अगर महुबे को तुमको पवनिया दी है दिखाया बहन भेटे पृथ्वी राज से देखो शब्द वेद चौहान उदल का जैसे ये जवाब सुना है आंखों में खून के कतरे लेकर लाखन बोले बहुत अधिक
दिना नते युद्ध न कीनो देखिया पिरथिया सोरे सरदार अरे बंधे बछेड़ा कट्टर पर गए बैठे अज्वान गए रे थुंदिया हाय मंतिया को रे बुलवाओ लाखन हुकुम दो तो करवाए गए ए नौ लख फौजिया आज कन बजकी एक ही संगलियो रे सजवाई गह के तब उदल किया बोले ते मंडली कयो तारे नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर मंडली के बोले क्यों रे उदल ये तेरी फौजी कहां के लिए सजी उदल ने जैसे ये सुना तो मुस्कुरा कर बोले दादा मेरी बात सुन लो एक उठिया शिकारिया है रे गाजर में बिरिया में खेला न जाता शिकार और पंद्रह दिन में वापिस आए हैं दादा मंडली कयो तारी भेद छिपाए के आज आल हाते चल गए महुबे केरे मैदान ढेबा सैयद लाखन चारों जवान भेत तैयार और मछला छैया कुमर कन्हैया पहुंचे तहां पर ना लाल कै और हसकिया इंदल बोलन लागे चाचा साची दियो बताए कहां की तैयारी तुमने कीनी रह रे प्राण रहो घबराए और तब ही उदल बोलन लागे सुनो परे ना लाल हाल छिपाओ है आल्हा से तुमको साची दें बताए सात लाख ते पृथ्वी राज ने घेरो महुबे को मैदान सागर पवनी नाय करवा में चढ़ गो अग्नि वंश चौहान हम जाबत हैं गढ़ महुबे को बहन की पवनी दें करवाए चाचा सुनो उदय सिंह लाल संगम हो बे हम चले करे सागर पे तलवार तुम लड़ लीजो पृथ्वी राज से मुताहर से दियो लड़ाई भुंजरिया दिए सिरवाए नदिया बित बेत सागर लो बजी है जो एक धार तलवार और भुजा पकड़ के तब इंदल की और उदल ने कही सुनाए और बारे सरैया मछला वाले पट्टे बाज खिलैया जवान और जिनके पुरखा अब समरत हो लड़का खेले महल मझार
और काम समर को तुम का जानो घर बैठो लला हमार। और जब मोहलक यो पृथ्वी राज को इंदल डार भजो तलवार। बोलन लागे चाचा पैया परे तुम्हारे छोटो छोटो हमें न जनियो हम छोटे हैं बुरी बलाए। और सबसे छोटो नाग पोनिया दे फुसकार छार हो जाए। और छोटे कुंभजर सिने चाचा सबरो सागर लो ढकारे। सूरज को जग को मैं किरे देता भैयार। अरे छोटे हनुमान ने चाचा सविता गाल में लय दे दवार। और जिनके लड़का के समरत हो गए खन खोन रे पड़ी परवार। अरे बैठे रही हो चचारे तमुआ में सागर पे खेलेंगे जूझरे अघार। बहिया कह के सोत इंदल की तब उदल निया कह दई सुनाए। अरे धन धन कोखी मछला भाभी की धन धन मंडरेली कै अवतार। ताकि कोख में आए के बेटा इंदल आजुरे धरे अवतार। अरे धन धन भूम है नगर महुबे की जामे शेर रे ले तय अवतार। इंदल सज किया खेतन में आओ महुबे को खूचरे दो करवाए। अरे जितनिया फौजी के कन बजवाली राठौर महुबे में पहुंच गईया। इधर तो लोगों कन्नौज की फौजें महुबे में आ गई हैं। इधर पृथ्वीराज सुख की नींद देरे में सो रहे हैं। समय आधी रात का है और तब तक हुआ क्या। चौक के उठ बैठे पलिका पे पिरथी सोबत दे चौक के उठ बैठे पलिका पे। इधर मेरे नौजवान साथियों पूरी रात ये कन्नौज के जवान सुख की नींद अपने तम्बू में सोते रहे और जैसे ही सुबह भगवान भास्कर ने आंखें खोली हैं तो सभी उदल सैयद ढेबा लाखन इंदल ये पांचों जवान बैठ गए और आपस में मशवरा करने लगे। लाखन कहने लगे ढेबा सच बताओ आर कैसी साहित्य है महुबे में कैसे विजय लिए करवाए। मन की बातें ढेबा कह दे कैसे काम फतेह हुई जाए।
बई देवा बोलन लागे ए तबई देवा बोलन लागे सुनियो मित्र कनौजी राय जाई साइत में माढ़ो गए वहां पे लेते बाप के दाय सोई साइत गढ़ महुबे में जुगिया बनो कनौजी राय जोगी बन के भी कज मांगो मैया मलना के दरबार जैसे लाखन को ढेबा ने जवाब दिया भैया अगर महोबे में विजय करनी है तो हम सबको योगी बनना होगा। अरे भैया जैसे योगी का नाम सुना तो उदल क्या बोला लड़का देवे बालो बोलन लगो उदय सिंह राय कहे कहे और तुमको दहशत पृथ्वी राज की उनकी बनो रे बैसिया जाए और ना ही बेदला बूढ़ो पर गो ना हम बेच खाई तलवार नदिया बेत बेत सागर लो बज है एक धार तलवार आंखों में खून के कतरे लेकर ढेबा बोला ओ उदल कब कब उदल भय तरवर हा कब कब गही ती ढाल तलवार फुलबा प्यारी के देख नहीं तो राठौर बने मनुष्य ते नारे और ना कछदाई बन लुगाई आवाई नरवर के मैदान और बन किया धवल निबल बन बैठे पर गई धवल पना पे छारे और बन के जनाने गए नरवर में फुलवा देखी थी अटा मझार और तब का लहंगा हमने पहनो घूंघट डेढ़ हाथ को मारे और जा सुन पाई अति लाखन ढे ठट्टा करत कनौजी राय और एक मेहरिया के काजे उदल नरवर बने मनुष्य ते नारे बात चाट गई तीरे उदल को गए नीचे को नार नवाए और हसी करी अती ढेबा भैया तुमने दई जा खोल अंगारे कपड़ा जो यो धन के सब गेरुआ में दए तिरंगाए कै और पांचो योगी वहां से चल दए लई महुबे की सीधा लगाए मलना मैया की ड्यूढ़ी पे पहुंचे आज लोहरवा भाई ही उदल ने ओ बांदी चेर कही उदल ने तुम मलना को लाओ लिबाए जोगी आए तेरे द्वारे पे रानी भिक्षा दे डरवाए बांदी ते कही थी सुनाए जे है लड़का पृथ्वी राज के पहुंचे भेद लेन को आए